तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे आप अपने ब्लॉगर के लिए एक कस्टमाइज्ड बटन बना सकते हैं, डाउनलोड बटन। और उस बटन को एक बार आपने ब्लॉगर में सेव कर दो, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस बटन को बनाओगे तो वो बटन कुछ इंटरेस्टिंग बटन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये चीज़ कैसे करोगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। आप जिस भी पोर्शन को आप एग्जैक्टली देखना चाहते हो, कोडिंग पोर्शन को देखना है या फिर एग्जैक्टली किस तरीके से आप उस कोड को अपने ब्लॉगर के थीम में सेव करोगे, अगर उस पोर्शन को देखना है तो आप जस्ट उस टाइम स्टैम्प का यूज़ करके आप देख सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबा होगी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। तो जाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लॉगर के लिए कस्टमाइज्ड बटन, डाउनलोड बटन आप बना सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तुम एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से डिज़ाइन करना है। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हो कि मतलब कैसे उसको पेस्ट करेंगे उस बटन को, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊँगा। फिलहाल ये मेरा एडिटर है और जस्ट मैं यहाँ पे ब्लॉगर का जो बटन क्रिएट करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली बनता कैसे है बटन। तो सिंपल सा, अब ये मैंने एक पूरा HTML का स्ट्रक्चर ले लिया। इसमें बस केवल मैं दो लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा, एक HTML और दूसरा CSS। तो बस ये तो एक HTML का पार्ट है जिसमें एक बटन क्रिएट करने के लिए जैसे आप बटन टैग का यूज़ करते हो, और जहाँ इसे सेव करके ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा बटन क्रिएट हो गया है। अभी फिलहाल इस पे कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट नहीं किया गया, तो ये क्लिक पे कुछ काम नहीं करेगा, मतलब किसी भी पेज पे आपको रेफर नहीं करेगा। तो ये सारा काम इससे होता है। अब हम यहाँ पे एक एंकर टैग लगाएंगे जिसके थ्रू ये होगा, मतलब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मतलब जिस भी लिंक हम यहाँ पे, जैसे लिंक मैं अपने वेबसाइट का दे रहा हूँ, इस लिंक पे बटन पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे। तो मतलब कुछ इस तरीके से वो जो लिंक है वो जनरेट मतलब ट्रिगर हो जाएगा और फिर आप वहाँ उस वाले लिंक पे रेफर कर दिए जाओगे इस बटन पे क्लिक करने के बाद। तो इस एंकर टैग का यहाँ पे यूज़ होता है। तो जस्ट अगर आप सेव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है और नीचे अंडरलाइन भी आ रही है। और जहाँ आप इस बटन पे क्लिक करोगे और ये क्लिक करते ही ये आपका नेक्स्ट बटन पे काम करेगा। लेकिन जैसे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मेरा पेज ओपन हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा ये बटन है काम करता है। लेकिन ये इसका लुक वाइज अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक सिंपल HTML वाला बटन है, तो इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा और नहीं आप इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप इसमें कुछ नया कलर ऐड करना चाहते हो, इसका लुक चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। तो भाई उसके लिए सबसे पहले हम इस बटन को एक डिव सेक्शन के अंदर क्लोज कर देंगे, मतलब एक कंटेनर की तरह बना लिया, उसके अंदर इस बटन को डाल दिया। वो मैंने क्यों डाला है आपको आगे जरूर बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहना और अच्छा भी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना। और उससे पहले मैं यहाँ पे बटन का एक क्लास बना लेता हूँ। वो क्लास इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो भी प्रॉपर्टी मतलब आप करोगे केवल स्पेसिफिक इसी बटन के क्लास पे ही वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसलिए मैंने एक क्लास बनाई है। ताकि जो बाकी अदर प्रॉपर्टी अगर मैं डायरेक्ट बटन पे अप्लाई कर दूंगा तो हो सकता है मे बी अदर बटन भी आपके ब्लॉगर पे इफेक्ट कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से, जो भी मैं CSS की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करने वाला हो। लेकिन अगर आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करोगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि स्पेसिफिक आपके बटन पे ही ये प्रॉपर्टी सारी अप्लाई होगी। और अब हम ब्लॉग बटन के अंदर उस CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे बटन को थोड़ा और डिज़ाइनिंग लुक देने के लिए। तो मैं बॉर्डर को नन कर दूंगा और आउटलाइन को भी नन कर दूंगा ताकि जो मेरे बटन के अराउंड जो ब्लैक कलर का स्ट्रोक आए वो सब ना दिखे, इसके वजह से यहाँ पे नन कर दूंगा। जो टेक्स्ट अलाइन है, जो बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तो मैं जस्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो मैं फ़िलहाल यहाँ से रेड ले रहा हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी कलर ले सकते हो अपने थीम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ब्लॉगर का थीम है, ताकि आपका जो बटन है और जो ब्लॉगर की जो थीम है आपकी दोनों थोड़ा मैच हो सके। तो उसके लिए आप हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप स्पेसिफिक कलर आप आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो और जो ये कलर है, ये टेक्स्ट का कलर है जो हमारे बटन के ऊपर दिखेगा, वो तो वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस कलर का यूज़ करोगे। और जो यहाँ पे आप वाइट कलर देख रहे हो, ये जो टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट किया है, ये तभी तक काम करेगा वाइट जब तक हम उसके ऊपर कोई भी हाइपरलिंक नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ ऐड करेंगे वो इस ए एलिमेंट्स जो एंकर टैग उसकी
उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे लिखो या ना लिखो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप लिख के ही रखो ताकि मे भी फ्यूचर में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए, ठीक है। बेसिकली अगर आप कोई हाइपरलिंक नहीं ऐड करते हो तो। और यहाँ पे मैं बटन के अंदर जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 15 पिक्सल्स रखूँगा और जो पैडिंग है उसकी वो 10 पिक्सल और 22 पिक्सल रखूँगा ताकि जो बटन का जो टेक्स्ट है और जो बटन का एरिया चारों ओर वो अच्छे तरीके से दिखे, विजुअल हो। और कर्सर पे यहाँ पे मैं पॉइंटर यूज़ करूँगा। अगर आप पॉइंटर यूज़ नहीं भी करोगे तो देखिए किस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। जस्ट सिंपल कुछ इस तरीके से आपका बटन हो गया है, पूरा रेड कलर का बटन है। आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट का कलर वाइट लिया है, लेकिन एंकर टैग की वजह से इसका जो कलर है ये ब्लू दिखाई दे रहा है। तो मैं आगे बताऊँगा इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसे कैसे वाइट बनाओगे। तो जहाँ आप कर्सर ले जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे, आप जहाँ इंटर करोगे तो कुछ यहाँ पे एक पॉइंटर की तरह बन जाएगा, मतलब एक क्लिक वाला हैंड जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जहाँ इंटर बाहर तो एरो की तरह बना रहेगा, लेकिन जहाँ वहाँ वहाँ पर अपना कर्सर ले जाओगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम कर्सर को पॉइंटर पे सेट कर देंगे, ठीक है। कुछ ये प्रॉपर्टी है, तो ये बेसिकली आप ये पूरा जो प्रॉपर्टी हमने बनाई वो केवल बटन के लिए बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे आप विड्थ को भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, विड्थ और हाइट को, ताकि आप बटन में जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना वो जो टेक्स्ट है अगर आप विड्थ को फिक्स कर दोगे तो मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट बहुत बड़ा लिख दिए तो बटन का जो है वो बटन की साइज़ तो फिक्स रहेगी और टेक्स्ट बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो बटन है वो काफ़ी बाहर, मतलब जो टेक्स्ट है वो बटन से बाहर हो जाएगा और बटन आधा दिखेगा मतलब आपका। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे बटन मैंने जहाँ बढ़ाया वो विड्थ भी इसकी बढ़ गई। तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती अगर आप इसकी जो भी विड्थ है और जो इसका हाइट है उसे फिक्स कर दोगे तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो विड्थ और हाइट है वो दोनों को मैं ऑटो पे सेट कर दूंगा ताकि आप जब भी टेक्स्ट अगर बढ़ाओ, मतलब टेक्स्ट का जो लेंथ है अगर वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से जो बटन का जो साइज़ है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो विड्थ को मैं यहाँ पे ऑटो कर दूंगा और हाइट को भी मैं ऑटो कर दूंगा। और उसके बाद अब हम जस्ट फिलहाल देखते हैं, अब हम काम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे जो कि हमारा बटन सेंटर है। आप देख सकते हो जस्ट कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट देखने को मिलेगा आपको, कोई चेंजेस उसमें ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर मैं यही फिक्स कर देता विड्थ को तो ये जो है बटन का जो है ये एरिया है वो पूरा बाहर चला जाता और बटन तो बिल्कुल साइज़ में फिक्स होता तो काफ़ी बेकार हो जाता, मतलब बटन भी देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ इस तरीके से आप केवल ब्लॉक बटन के लिए, मतलब जो मेरा बटन है टैग है उसके लिए इतनी सारी CSS की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है। अब हम CSS की प्रॉपर्टी को लगाएंगे किसके लिए, अब बटन सेंटर के लिए। आप चाहो तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आप रेडियस ऐड कर दोगे 5 पिक्सल्स का तो बॉर्डर रेडियस की वजह से आप देख सकते हो बटन के किनारे किनारे जो हल्का हल्का सा कर्व आ गया, कर्व इफेक्ट। या फिर आप इसे 30 पिक्सल कर दोगे तो ये पूरा एक कैप्सूल शेप का बन जाएगा आपका ये जो बटन है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके इसका शेप चेंजेस कर सकते हो। और तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आपको इतने CSS का यूज़ करना है अपने बटन को डिज़ाइन करने के लिए। और भी इसमें आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आप क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। अब इस बटन को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए अब मैंने बटन BTN सेंटर का क्लास का यूज़ किया डिव के अंदर, तो इसीलिए मैं इतने सारे पूरे क्लास को मैं यूज़ किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बटन सीधा सेंटर में आ जाएगा और इसे आप जब भी छोटा करो या बड़ा करो बटन बिल्कुल सेंटर से कहीं और नहीं भागेगा, बल्कि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा अपने आप को सेंटर पे। तो जस्ट मैंने जो प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई की है इसके लिए बटन को सेंटर करने के लिए, वो डिव के अंदर मैंने लगाई, डिव क्लास के अंदर, ठीक है। जो डिव मेरा जो टैग है DIV टैग, उस टैग के अंदर मैंने लगाई है। और यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर दूंगा ताकि जो अंडरलाइन है वो गायब हो जाए और कलर वाइट कर दूंगा। अब इससे आप अब देखोगे जो मेरा ब्लू कलर का आ रहा था वो सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये वाइट कलर का इसका टेक्स्ट हो चुका है और यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो सीधे नेक्स्ट पेज पे, मतलब उस पे विजिट कर जाएगा जो भी आप उसके अंदर लिंक दिए होगे। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि ब्लॉगर के अंदर इतनी सारी अगर प्रॉपर्टी, ये तो केवल बस मेन बटन की प्रॉपर्टी है और ये इसकी पूरी CSS की जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर लिखी है वो CSS की प्रॉपर्टी है। कभी कभी क्या होता है ब्लॉगर के अंदर अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर लोगे तो हो सकता है कि आपका जो अदर लिंक है जो कि ए जो है, मतलब एंकर टैग है, वो भी इफेक्ट कर सकता है, सारा का सारा कलर वाइट में चेंजेस हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसीलिए यहाँ पे एक क्लास का यूज़ करते हैं कि जो स्पेसिफिक इसी टैग के अंदर ही और यही जो प्रॉपर्टी है हमारा इसी टैग पे ही यूज़ हो। तो इसीलिए हम जो एंकर टैग है वो डायरेक्टली
अपने CSS स्टाइल सीट में ना यूज़ करके हम इन लाइन CSS स्टाइल सीट का यूज़ करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। मतलब बाकी जो है ये तो एक इंटरनल CSS की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना यूज़ करके मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे आपको उसके लिए क्या करना होता है, स्टाइल लिखना होता है। स्टाइल लिखने के बाद आपको कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वाइट कर देनी है बस। और इतना करने के बाद आप चाहो सेमी कॉलन लगा सकते हो या फिर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेव करने के बाद जिस तरह पे सेव करोगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है। तो अगर आप अभी अभी फ़िलहाल अंडरलाइन आ रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए आप जस्ट टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉगर के थीम के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर होता है कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन डन होता है और जो लिंक होता है वो ब्लैक कलर में सेट होता है। बट उसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर वो ब्लैक सेट होता है उसमें, आपके ऑलमोस्ट सभी ब्लॉगर थीम के अंदर। तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप चाहते हो तो इसमें कुछ हॉवर इफेक्ट लगा दो, मतलब अगर आपका कर्सर उस पर जाए तो वो कुछ और सा कलर बन जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन सेट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और कलर में उसका वाइट रख देता हूँ, ठीक है, जो टेक्स्ट का कलर होगा। तो यहाँ पे जहाँ मैं कर्सर ले गया इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपने ब्लॉग पे बहुत सारे 5 ऐसे बटन बना के आपको दिए हैं, किस तरीके से उसका CSS अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हर एक बटन का CSS ये है, आप इसको CSS को अपने ब्लॉगर के थीम एक बार बस सेव कर दो, और फिर उसके बाद आप बस HTML बटन के लिए केवल इस HTML कोड का यूज़ करना है ओनली। तो जो CSS पार्ट है उसे बस आपको अपने एक बार अपने ब्लॉगर थीम में सेव कर देना है, कुछ इस तरीके से हॉवर इफेक्ट का है, ये कलर चेंजेस का है। तो 5 ऐसे मैंने बटन दे दिए हैं, आप वहाँ से, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसको अपने थीम में सेव करोगे इस बटन को। तो भाई क्या करना है आपको, सिंपल सा अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना है, थीम पे क्लिक करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, जस्ट देख सकते हो, बैकग्राउंड, एडवांस और गैजेट्स। तो एडवांस में जाना है, थीम कलर पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ऐड CSS का ऑप्शन मिलता है। तो ये लगभग हर सभी ब्लॉगर थीम में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें CSS का ऑप्शन में ये पूरा, ये तो स्ट्रक्चर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे, हमें बस ये जो अब जो भी मैंने बनाई है डॉट क्लास करके, मतलब जितने भी स्टाइल टैग के अंदर जो मेरे डिज़ाइन किया है, जो भी मेरे प्रॉपर्टी यूज़ किए, बस उसको कॉपी करना है यहाँ से, और सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव कर देना है। एक बार जहाँ आप जस्ट यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में बॉटम में सेव ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सेव कर देना है, और उसके बाद बैक चेक कर जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बैक के बाद जस्ट आप चले जाओ, कोई न्यू मतलब पोस्ट लिखो, और अगर आप चाहते हो जस्ट फॉर एग्जांपल पहले तो आप कुछ टेक्स्ट लिख लेना जहाँ भी टेक्स्ट, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बटन यूज़ करना है आपको वो स्टाइलिश वाला, तो जस्ट आपको यहाँ पे बटन लिख देना है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। जस्ट आपको इस डिव से पूरा उठाना है इस दोनों को, मतलब पूरा, और कॉपी करना है इस कोड को, और HTML कोड यहाँ पे देख सकते हो बटन कहाँ, यहाँ पे बटन है, तो जस्ट मैं इसको एंटर मारूंगा और इस केवल इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर दूंगा सब कुछ, ठीक है, ये पूरा इतना। और आप चाहो तो ये लिंक जो है, ये लिंक आप चेंज कर सकते हो यहाँ से भी, लेकिन अगर आप कंपोज व्यू में चेंज करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। जस्ट कंपोज व्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो एक कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा कि भाई ये लिंक है, और उस पर एडिट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो उस बटन का क्या नाम होगा वो दे सकते हो, और उसके अंदर जो लिंक होना चाहिए वो लिंक भी आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट youtube.com लिख देता हूँ, ठीक है, तो और जस्ट इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो फिलहाल के लिए ये हो गया हमारा, और मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो प्रीव्यू करूँगा तो मैं इस पर जो इफेक्ट मैंने हॉवर इफेक्ट लगाया था वो वाला बटन काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसे पब्लिश करता हूँ पहले, तब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो, जस्ट कर्सर में जहाँ ये लग गया ये कलर चेंज हो जाता है इसका, और यहाँ पे जहाँ आप क्लिक करोगे तो आपका youtube.com पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें आप बटन काम करेगा आपका। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा न्यू टैब में खुल जाए जो भी है, तो जैसे आप यहाँ पे एडवांस पे जाके न्यू विंडो वाला ऑप्शन को चेक करके अप्लाई कर देना है। तो अब क्या होगा कि आप जब भी आप इसे प्रीव्यू करोगे, मतलब जब भी अगर कोई क्लिक करेगा आपके बटन पे, तो आपका पेज चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट विंडो में वो वाला लिंक जो रेफर लिंक है वो ओपन होगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसे कर सकते हो बेसिकली यूज़, और किस तरीके से इसको आपको कोड को यूज़ करना है। आप चाहते हो एक बार फिर कोई नया कोड, मतलब कोई नया बटन और बनाना है रिलेटेड किसी भी कंटेंट से, तो वापस से क्या करना है आपको, ऐसे आप इसके नीचे करोगे तो हो नहीं पाएगा, मतलब क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्पेस देना बनता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको सिंपल सा
टैग में जाना। मैंने एक बटन के लिए जस्ट मैं बटन लिख दिया हूँ, और यहाँ पे एक BR टैग यूज़ करोगे तो जस्ट वो एक इंटर का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब वो नेक्स्ट जो आपकी जो पॉइंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगी, फिर इंटर मार के आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो अब इस बटन पे हम उस HTML कोड को यूज़ करूँगा, तो जस्ट यहाँ पे करना क्लिक करना है, और ये जो बटन मेरा है इस बटन पे मैंने पूरा वो HTML कोड लगा दिया, फिर BR टैग भी लगा दिया ताकि वो ब्रेक हो जाए, मतलब न्यू लाइन में कर्सर शो करे। तो कुछ इस तरीके से अब जस्ट मैं अपडेट कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मुझे बार बार उस CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करा, क्योंकि मैंने वो पूरी CSS की जो प्रॉपर्टी वो मैंने अपने थीम में सेव कर दी है, और मैं कितना भी बटन बना लूँ सब कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा जस्ट डिज़ाइनदार। और अब इस बटन का जो कलर है आप अपने थीम के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे भी ये ब्लैक है ये येलो है, तो उस हिसाब से इसका हेक्स कोड यूज़ करना बैकग्राउंड के जगह पे, बैकग्राउंड कलर और जो मैंने थीम के अंदर जो मैंने लिंक में कलर ऐड किया है वो सारी चीज़ें वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ आपका कलर है वो सब आप यहाँ से, जैसे ग्रीन है ये तो आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी आपका हेक्स कोड होगा वो चीज़ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं हेक्स कोड का यूज़ करूँगा बेसिकली। तो हेक्स कोड में क्या होता है कि 6 कोड का एक होता है जो कि ABCDEF तक होता है, जो कि अल्फ़ाबेट पे फॉर्म में होता है, और 0100 या 029 होता है वैल्यू, तो ये वैरी करेगा। तो यही हेक्स कोड का पता है हैशटैग के साथ लगता है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हल्का सा जो उसका रेड का कलर वो चेंज हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जो भी कलर आपका होगा वेबसाइट थीम का आप उसका हेक्स कोड देख लेना, और हेक्स कोड कैसे मतलब पता करो कि भाई आपके वेबसाइट पे जो भी थीम है, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो आप उसका फोटोशॉप पे क्लिक कर सकते हो कलर पिकर का यूज़ करके, और उसका हेक्स कोड देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो वाइट, मैंने ब्लैक के लिए जस्ट 000 चूज़ कर लिया है, और हॉवर पे ये रेड कलर का बन जाए तो उसके लिए मैंने उसका वो रेड कलर का हेक्स कोड यूज़ किया है। तो आप जस्ट आपको इसी हेक्स कोड को चेंज करना है, और यहाँ पे भी आपको चेंज करना है, जो कि आप यहाँ ये चीज़ देख सकते हो। तो अगर आप लिंक का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो स्टाइल कलर के अंदर जाके, लेकिन आप बैकग्राउंड कलर या फिर कोई और कलर चेंज करना चाहोगे तो जस्ट आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, हॉवर में जाके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के लिए कस्टमाइज्ड तरीके से बटन आप बना के ऐड कर सकते हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगर में किस तरीके से CSS बटन यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से CSS बटन बना के और कैसे आपको ऐड करना है अपने ब्लॉगर के थीम में वो मैं पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से बता दिया है। और अगर आप अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट्स जो भी आप करोगे। और दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोग कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।